हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सरहदी बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र में 20 दिसंबर को चौहटन चौराहे से एक बलेरो गाड़ी किराए पर लेकर भाड़का के पास पिस्टल व चाकू की नोक पर बलेरो गाड़ी लूटने के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों ने लूटी हुई बलेरो से ही धोरीमन्ना नेशनल हाईवे 68 स्थित थार केसरी पेट्रोल पंप पर दो सेल्समैन के साथ मारपीट कर पिस्टल व चाकू की नोक पर पांच अज्ञात बदमाशों ने दो मोबाइल, एक टैबलेट व 38,200 रुपए लूटने की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए जोधपुर रेंज व उदयपुर में नाकाबंदी करवाकर 3 दिन में पूरे वारदात का खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव के मुताबिक साइबर सेल्स एवं तकनीकी सहायता सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की इतला पर उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर व पाली में संदिग्ध स्थानों पर पुलिस टीमों ने दबिश देकर भीतमल निवासी मंगाराम जाट, रमेश कुमार निवासी नवातला राठौड़ दान, सत्यपाल निवासी लाखोलाई नाड़ी, रत्नाराम निवासी कपूरली हाल मोहनगढ़ तथा रवि कुमार निवासी फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है। वहीं मनीष उर्फ राकेश निवासी प्रताप नगर ओसिया पुलिस गिरफ्त से फरार चल रहा है। बताया जा रहा है कि बलेरो गाड़ी लूटने के बाद बाड़मेर शहर से एक बड़े व्यापारी को लूटने की योजना बनाई थी, लेकिन वो योजना फेल हो गई। बलेरो लूटने के बाद जालौर से सरवाना से तांबा चोरी कर वापस बाड़मेर लौटते वक्त जाखेड़ की दाणी के पास नेशनल हाईवे 68 पर पेट्रोल पंप की लूट की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों वारदातों का मास्टरमाइंड सत्यपाल उर्फ सतपाल व रत्नाराम जाट है, जिन्होंने अन्य मुलजिमों को इकट्ठा कर गैंग बनाकर पूरी वारदात को अंजाम दिया है। पूरी वारदात का खुलासा करने में सदर थाना अधिकारी अनिल कुमार, ग्रामीण थाना अधिकारी परबत सिंह, कल्याणपुर थाना अधिकारी कैलाश थान सहित साइबर टीम का बड़ा सहयोग रहा। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव इन्होंने ये कहा, दिनांक 11 और 12 की मध्य रात में ग्राम बिसाला में काफी सारे ताले टूटे थे। इससे पूर्व ग्राम रामसर में भी रात में काफ़ी सारे ताले टूटे थे। उसको लेके काफ़ी जनाक्रोश भी था, जनप्रतिनिधियों की बहुत चिंता हुई थी। उस पर हमारी टीमों ने निरंतर काम करते हुए एडिशनल एसपी साहब बाड़मेर के नेतृत्व में, डिप्टी साहब बाड़मेर आनंद जी, हमारी साइबर टीम के सदस्य महिपाल और उनके साथी, SHO ग्रामीण और इनकी टीम, इन्होंने फाइनली 3 लोगों को इसमें पकड़ा है, जिसमें से एक मुल्तान सिंह और बिश्नाराम को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ को निरुद्ध किया है। इनसे पूछताछ चल रही है, अभी पुलिस कस्टडी पर हैं और रिकवरी के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। मुल्तान सिंह है पुषड़ थाना शिव का और बिश्नाराम है पुषड़ थाना शिव का। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकराम मेघवाल की रिपोर्ट।